अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ ब्रेड पकौड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको टी टाइम पे स्नैक के तरीके या फिर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उनको भी नाश्ते में दे सकते हो बना के। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए, मैंने दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए जिनको मैंने उबाल लिया, उनका छिलका उतार लिया है। एक चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून मैंने आमचूर का पाउडर ले लिया, खटाई। हाफ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। दो मैंने हरी मिर्च ले ली है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है। हरी मिर्च का अगर आपको ऐड करनी हो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। अब मैं आलू को अच्छे से मैश कर लूँगी। आलू को इतना अच्छे से मैश करना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और छोटे छोटे से जो रह जाता है आलू फुटकियाँ वो ना रह जाए, जिससे ब्रेड पकौड़ा थोड़ा अच्छा नहीं बनता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से हाथ से मैश कर ले ली हूँ। हाथ को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। जो हाथ काम करता है वो चम्मच से नहीं हो पाता, तो इसलिए हाथ से ही बेटर रहता है किसी चीज़ को मैश करना। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ, खटाई, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी आलू में। तो मैंने इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप जितना अच्छे से इसको मिक्स करोगे तो उतना ही अच्छा है। अगर आप इसमें फुदकियाँ रह जाती हैं, जो छोटे छोटे लम्स रह जाते हैं, उससे ब्रेड पकौड़ा फट जाता है अभी से, तो इसलिए इसको अच्छे से मैश कर लेना। तो मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्टली। एक कटोरी मैंने बेसन ले लिया है, जिसमें मैंने 7 से 8 टेबल स्पून तकरीबन बेसन ले लिया है, और ये मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। आपको जितना बनाना हो आप उतने स्लाइसेस ले सकते हो। ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए, आप बहुत सारे साइज़ आते हैं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर दोबारा से ले लिया है, और हाफ टेबल स्पून नमक मैंने दोबारा से ले लिया है। आप नमक और मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अभी मैंने ये जो पोटैटो का मतलब आलू को मैश करके इसमें मिक्स किया था, इनका बैटर बनाया है, वो ले लिया, और ये मैंने ब्रेड्स ले लिए। अब इस बैटर को मैं ब्रेड पर अच्छे से लगा लूँगी। ना ज़्यादा बैटर लगाना है और ना ही कम लगाना है। जैसे कि आप जैम लगाते हो सेम उसी तरीके से लगाना है, बस परफेक्ट तरीके से लगाना है, वरना ब्रेड पकौड़ा टूट जाता है। इसी के ऊपर मैं दूसरी ब्रेड को इस तरीके से रख रही हूँ, देख सकते हैं आप। अब इनको मैं बीच से अच्छे से कट कर लूँगी। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो, वैसे तो इस तरीके से ज़्यादा ही अच्छा लगता है और अच्छा बनता भी परफेक्ट है। तो देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड पकौड़ों को इसी तरीके से बना लूँगी सेम प्रोसेस से। और ब्रेड को आप फ्रेश लीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा है। फ्रेश ब्रेड में ये रहता है कि आपको कट करते वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो एक दिन रखी हुई या दो दिन रखी हुई ब्रेड होती है वो टूटने का थोड़ा ज़्यादा मसला रहता है। अगर वह नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो भी ले सकते हो। तो देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से एक सेम शेप में ब्रेड पकौड़ों को कट कर लिया है। आप कोई भी शेप रख सकते हो, तो देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये बेसन ले लिया है, अभी मैं इस बर्तन में इस बेसन को ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ दोबारा से, जो मैंने दिखाया था आपको, और नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से बेसन को फेंट लेना है, बैटर बना लेना है। सबसे मेन काम होता है इसमें बेसन को अच्छे से फेंटना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अच्छे से फेंटोगे तो आपकी पकौड़ी या पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। कुछ लोग की शिकायत होती है कि हमारी पकौड़ी या पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टाइट्स में, आप बेसन को अच्छे से फेंटो तो आपकी पकौड़ी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो देख सकते हैं मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया, ना मैंने इसको ज़्यादा गीला रखा है और ना ज़्यादा ही थिक, मैंने इतना रखा है कि इसमें अच्छे से हमारा पकौड़ा डिप हो जाए। तो अभी मैंने पैन को चढ़ा दिया गैस पर, अभी मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे ही गरम किया है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पकौड़ा या पकौड़ी फ्राई करना है, मज़ेदार बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, तो आपको ऑयल बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखना है। तो मैंने ऑयल हमारा हो चुका है, अभी इस बैटर में जो मैंने ब्रेड पकौड़ा रेडी किया था उसको डिप कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने बेसन की कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है कि हमारा बेसन ऐसा है कि हमारा पकौड़ा अच्छे से इसमें
डिप हो रहा है। तो देख सकते हैं हम, मैंने इस तरीके से ही सारे पकौड़ों को बेसन में डिप करके फ्राई कर लूँगी। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है, फ्लेम को ज़्यादा ना हाई करना है ना मीडियम रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम ही रखनी है। और इनको जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं, जब तक इनको अच्छे से फ्राई करते रहना है, दोनों तरफ से लगातार पलटते रहना है। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपने बच्चों को टिफ़िन में पैक करके देना, या आप टी टाइम पे इसको आराम से रेडी करके खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं, बहुत ही इजी रेडी भी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको ऑयल में से निकाल लूँगी बर्तन में। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड पकौड़ों को फ्राई करके रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके रेडी हुआ है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल भी है, बहुत ही ईजी भी है, बहुत ही मज़ेदार भी है। आपके बच्चों को भी ज़रूर खिलाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपके फीडबैक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे फीडबैक देते हो। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।